हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पोहे की सब्जी। आपने नाम तो सुनी होगी। ये हमने पत्तों को छांट के और हमने पोहे को धो के रख लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे बारीक बारीक। ये हमने पोहे को काट के रख लिया है और ये हम लहसुन, इसके लिए पीसने के लिए लहसुन, और इसमें ये मस्टर्ड जो होता है, सरसों, पीली सरसों, वो ये हल्का सा जीरा 1 चम्मच, धनिया, काली मिर्च, जब तक हमारे मसाले तैयार होते हैं, जब तक हम फ्लेम ऑन करके इसे हीट होने के लिए रख देते हैं, और जब तक हम मसाले पीस लेते हैं जो हमने तैयार किया है। ये हमारा मसाला जो हमने लिया था, खड़ा मसाला, वो हमने पीस के तैयार कर लिया। ये हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी, और क्योंकि साग है और इसका कलर खत्म कर देगा, तो इसलिए हमने वो ले लिया। पूरे दिन पढ़ाई नहीं हुआ है ऊपर। ये हमने मिर्ची ऑर्डर ले लिया है तड़के के लिए। ये हमने टमाटर ले लिया है 5 छोटे साइज के, इसमें डालने के लिए। ये हमारा राई चटक चुका है तड़के में। अब हमने जो मसाले पीस के इसमें रखे हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, आप जैसा खाते हो वैसे नमक डाल दीजिए। जब तक ये फ्राई हो रहा है, जब तक हम टमाटर कट कर लेते हैं, डाल देंगे। हमने टमाटर कट करके इसमें डाल दिया है बड़े बड़े टुकड़ों में, क्योंकि ये फ्राई होते होते गल जाएगा दोस्तों। अब हम इसे बार बार चला के इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले पक जाने पर हम ये पोहे की जो साग है वो डालेंगे। हमने ढक्कन हटा के ये हमारा मसाला हो आया है और हमारा टमाटर भी इसमें अच्छे से गल गया है, देख सकते हैं आप। हम थोड़ा सा और इसे भून के और हम इसमें पोहे का साग डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमने ये मसाले फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये किनारे किनारे तेल छोड़ रहा है। हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें साग डाल देंगे। हमने सारी सब्जियों को डाल दिया है। अब हम इसे
धीमी आंच पर करके पहले ढक देंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम पानी छोड़ देगा तब तेज आंच पर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसे एक बार चला देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसी तरह ढक ढक के पका के और इसे बार बार चलाते रहेंगे। इसे धीमी आंच पे ही हम रहने देंगे, रख देते हैं। धीमी आंच पे ही इसे पकाया है अभी, और ये पूरा पानी छोड़ दिया है। अभी भी हम ये धीमी आंच पे ही पकाएंगे जिससे ये पूरी तरह से गल जाए और हम इसे एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे इसमें, ये इसी से ही पक जाएगा। फिर हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही धीमे आंच पे हम इसे बहुत अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए हमारे साथ गल चुका है, इसे हम फिर थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी अब तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसे सुखा भी सकते हैं, हमें थोड़ा ग्रेवी वाला अच्छा लगता है इसलिए हमने इसे ग्रेवी वाला रखा है। आप एक बार घर पर बनाकर ट्राई करिए दोस्तों, और देखिए सभी कैसे उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।